मेहंदी लगा के। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। तो जी कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब यहाँ पे आज जो है ना दिन मंडे का है, आज सावन का दूसरा सोमवार है और मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने। तो बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है और उनका लंच वगैरह बनाया और फिर उसके बाद जो है ना मैंने भेज दिया उनको पूजा करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अब चली थी मंदिर और काम वाम सब हो गया है, घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे कर रही थी थाली तैयार, तो थाली में रखे थे फूल बेलपत्र और भांग धतूरा जो भी शिव जी भगवान को चढ़ते हैं ना सब कुछ, तो ये लेकर आ गए थे। और जब काव्या को स्कूल छोड़ने गए थे उर्वी को तभी लेकर आ गए थे। तो बस यहाँ पर थाली तैयार कर रही हूँ मैं। अब हो गया है यहाँ पे दोपहर का टाइम और दोपहर में हो रही है लंच की तैयारी। तो लंच के लिए कुछ चीज़ें आई थी यहाँ पे, सोयाबीन चाप थी, मटर थी, पनीर था, तो ये सारी चीज़ें आई हैं और आज बनेंगे इनके चावल। ये तो तली जाएंगी क्या, ये तल के गिरेंगी? मुझे तो आते नहीं है चावल बनाने। तो जी बस लग गई थी मैं यहाँ पे चावल बनाने में। हम सबसे पहले जो है ना प्याज कट की थी, लहसुन कट किया था, तो सारी चीज़ें ही जो है ना चॉप करके डालूंगी इसमें, पीस के कुछ भी नहीं डालूंगी। और मतलब एक अलग से आज चॉइस आई थी कि मतलब सोयाबीन जो चाप होती है ना वो डालेंगी चावल में। अब मैंने पहले तो कभी बनाए हैं नहीं ऐसे चावल, तो आज जो है ना फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी और इनकी फरमाइश थी कि ये लेकर आए थे कि इनको डलवानी है वो सोयाबीन चाप चावल में। तो यहाँ पर प्याज वगैरह मैंने चॉप कर दी थी, उसके बाद मैं छोटे छोटे पीसेस किए थे चॉप। तो जी जिस तरीके से मैं मटर पनीर पुलाव बनाती हूँ ना उसी तरीके से मैंने सोचा कि बस सोयाबीन के भी उसी तरीके से बनेंगे। तो बस मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे चॉप के, उसके बाद बस इनको कर रही थी बनाने की तैयारी। तो एज़ यूजल मैंने कुकर चढ़ाया और उसके बाद जो है ना इसमें डाला है थोड़ा सा मस्टर्ड, उसके बाद जस्ट यहाँ पे मैंने एक एक पीसेस करके ना चाप के डाल दिए थे इसी में ही। अब जो है ना मुझे इसमें फ्राई करनी है अच्छे से। अब कढ़ाई की बात एक अलग होती है, जब हम कढ़ाई में फ्राई करते हैं ना तो उसमें अलग तरीके से ही फ्राई होती है और अच्छी भी होती है। और यहाँ पे बस मैं कढ़ाई अलग से नहीं चढ़ाना चाहती थी क्योंकि फिर अलग अलग बर्तन होते हैं, इसी वजह से पहले मैंने इसमें जो ये सोयाबीन चाप है ये फ्राई कर ली थी और जस्ट उसके बाद तो इसी में मैंने पनीर को भी फ्राई कर लिया था। तो पनीर भी मुझे हल्का सा फ्राई करके ही डालना है और फिर जो है ना मतलब छोटे छोटे पीसेस जो है ना पनीर के भी कट कर दिए थे, उनको भी एक एक करके थोड़ा सा फ्राई किया था, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया था, थोड़ा सा किया था क्योंकि फिर घुल जाता है पनीर। तो बस जो क्यूब्स है ना ये मैंने थोड़े थोड़े से फ्राई किए और इनको भी ना निकाल लिया था हमने। तो चलिए अब फाइनली मैं छोंकने जा रही हूँ चावल। तो सबसे पहले हल्का सा मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा और उसके बाद मैंने ये जो प्याज हरी मिर्च और लहसुन सारी चीज़ें चॉप की हुई थी ना इनको मैंने इसमें ऐड कर दिया। लहसुन भी है ना मैंने थोड़ा छोटा सा पीसेस में कट करके रखा था और प्याज भी, और मिर्ची जो है ना बीच में से दो पीसेस कर दिए थे उनके अलग से। और ऐसे मतलब जैसे नॉर्मली मैं सब्ज़ी में काटती हूँ ना वैसे नहीं काटी थी, थोड़ी सी चीर के काटी थी और बस उनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और बस जस्ट उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था टमाटर और टमाटर के साथ ही मैंने इसमें ऐड किए थे सूखे मसाले। सूखे मसाले में एज यूजुअल नमक मिर्च हल्दी ये तीनों चीज़ें मैंने ऐड की थी। सूखा धनिया इसमें से अवॉइड किया था क्योंकि चावल में इतनी ज़रूरत नहीं होती है। और नमक मैंने साथ में ऐड किया था और क्योंकि क्या है ना कि मतलब अच्छे से टमाटर जो है ना गल जाएंगे और खड़े खड़े रहते हैं ना फिर चावल में उतना टेस्ट नहीं आ पाता, तो बस यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन जाए। फिर उसके बाद मैंने इसमें हैंड टू हैंड ही ऐड कर दी थी मटर। तो दी ज़्यादा प्याज मैंने डीप फ्राई नहीं की थी, बिल्कुल काली नहीं की थी, थोड़ी सी हल्की सी लाइट ब्राउन रहने दी थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए थे यहाँ पे मटर। अब मटर भी अच्छे से है ना हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने इसमें सोयाबीन और पनीर दोनों को एक साथ ही मैंने डाल दिया था ताकि ये भी मसाले में अच्छे से मिक्सअप हो जाएँ। फिर उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें चावल। बस यहाँ चावल अच्छे से वॉश करके रखे हुए थे मैंने, अब वो चावल भी ऐड ही कर दिए हैं साथ के साथ ही, डबल पानी ऐड कर दिया है, जितने चावल थे उसका डबल मैंने पानी ऐड कर दिया है यहाँ पे। और फिर इसके बाद एक हल्का सा उबाल आने के बाद मैंने इसमें करीब दो से तीन सीटियाँ मैंने इसमें लगा दी थी ताकि चावल अच्छे से
पक जाए। अब जो है ना एक बारी फिर से आप नमक चेक कर लीजिए, क्योंकि पानी में आके ना नमक हल्का सा कम लगने लग जाता है। चावल फीके हो जाएँ उससे अच्छा है कि आप एक बार टेस्ट कर लोगे तो सही रहेगा, और नमक जो है ना कम रह जाता है ना चावल में, फिर वो वाली बात नहीं रहती, बिल्कुल भी टेस्टी मतलब आता ही नहीं है। सब्ज़ी वगैरह हो तो उसमें आप डाल भी लो एक बार को, लेकिन चावल वगैरह में दोबारा से नमक नहीं डलता है, तो इसी वजह से मैंने पहले ही चेक कर लिया था और मुझे लगा कि लगाई तेरा पापा क्यों बिंदी लगा के तो बगैर बिंदी लगाए ना जाएंगे तो जी बस मैं यहाँ पर वेट ही कर रही थी कुकर का प्रेशर निकलने का, और चावल जो है ना बहुत ही खिले खिले बनकर आए थे, काफ़ी अच्छे चावल बने थे। और यहाँ देखिए मैं प्लेट्स रेडी कर रही हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इसके पापा के लिए प्लेट्स रेडी कर रही हूँ, और चावल जो है ना बिल्कुल खिले खिले और एक एक चावल बना था, मतलब अच्छे लग रहे थे। जो सोयाबीन के साथ बनाए थे ना तो काफ़ी टेस्टी लग रहे थे चावल, ये देख लो आप, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उसके बाद यहाँ पर ये मैं अपनी प्लेट्स रेडी कर रही हूँ। अब मेरी प्लेट है जो उसमें जो है ना, मुझे लग रहा था कि मेरे को सोयाबीन शायद अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने वापस से डाल दी, और मुझे लग ही रहा था कि सोयाबीन वगैरह के मैं कभी खाती तो हूँ नहीं, क्योंकि नॉर्मल जो सोयाबीन होती है वो भी नहीं खाती मैं, ये तो चाप भी है बिल्कुल सेम ही सोयाबीन ही रहती है ये भी। तो जी बस मैंने तो एक आध टेस्ट के लिए ही खाई है, अदरवाइज़ ना ही के बराबर खाई है, क्योंकि मैंने ना बस एक आधी खाई थी, मुझे नहीं आई पसंद। और सोयाबीन वगैरह पनीर वगैरह तो मैंने फिर भी खा लिया। तो यहाँ पर जो है ना अब आ गई थी वापस से किचन में, और टाइम हो गया था करीब बज गए थे 3:30-4:30 के आसपास का टाइम हो रहा था, और मतलब अब मुझे ना ये पूरा मैसी किचन हो गया था ना, इसको ठीक ठाक करना था, और बहुत ज़्यादा मतलब मैं सो आज इसलिए ऐसे गई, मेरे सर में हो रहा था दर्द, और खाना खाने के बाद ना मेरे सर में मतलब हो तो सुबह से ही रहा था, लेकिन खाना खाने के बाद मेरा और ज़्यादा बढ़ गया। आई थिंक गैस की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो जाती है ना मुझे, तो बस उसी की वजह से ना मैंने छोड़ दिया था ये सब, वरना मैं ऐसे खाना वगैरह खा के और ऐसे ना फैलावा फैला के मैं कभी नहीं सोती हूँ, कभी नहीं लेटती हूँ। मतलब सोना तो दूर की बात है, दिन में तो खैर कभी मैं सोती नहीं, लेकिन लेटती वेटती कभी नहीं हूँ। अब आज जो है ना मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था इस चीज़ के लिए। अब सब फटाफट से मैं उठी करीब 4:45 करीब, और पहले जो है ना सबसे पहले मैं किचन में आई, और किचन का जो हाल है ना वो देख के तो बस मेरी हालत ही ख़राब हो गई। तो जी सबसे पहले मैंने अपने किचन को साफ़ सुथरा किया, मतलब जितने भी बर्तन थे सारे साफ़ वाफ किए, और फिर उसके बाद ये देखिए मेरा किचन अब कितना सुंदर लग रहा था, और इसे देख के ना सही में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखाई देती हूँ। तो जब किचन फैला हुआ था ना तो मतलब लग रहा था कि हाँ ये बस कैसे ही हो और कहाँ से शुरू करूँ, यही समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन जब हो गया ना साफ़ तो उसके बाद देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो किचन जो है ना हमारी दुनिया होती है, और हमें ये साफ़ ही चाहिए। तो जी उसके बाद करीब 5:45 के आसपास हम लोग निकले थे मार्केट के लिए, तो हमें जाना था मार्केट, और काव्या का जो बैग था ना वो जो मैं लेकर आई थी वो बहुत बड़ा आ गया है। अब उस बैग को लेकर ना उसको थोड़ा सा इशू है कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसे ले जाने में, तो हमेशा मतलब कहती है, हमेशा शिकायत करती है मेरे पे नहीं ले जाया जाता है, मेरा बैग चेंज कर दो। तो बस आज हमने वही सोचा कि आज चलते हैं, और कहीं जाना नहीं हुआ वैसे तो आज पूरा दिन घर में ही थे, और सोचा कि इस बहाने हम घूम भी आएंगे। और इसी वजह से ना पहले हम गए, हमने बैग वगैरह देखा उसका, और फिर हमने लगा कि साथ साथ ना वीरू का भी बैग ले लिया जाए, मतलब धैर्य का, तो उसका भी बैग जो है ना थोड़ा सा ख़राब ही हो रखा है, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं एंड टू एंड ही, और फिर तो मतलब टाइम मिल नहीं पाता ना बार बार आने का मार्केट, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे बैग जो है ना हम लोग बैग की दुकान पर आए, जो काव्या बैग देख के गई थी ना मतलब मेरे साथ मार्केट आई थी अभी लास्ट टाइम, तो बोली थी मम्मा ऐसा बैग चाहिए, तो बस मुझे वही आता कि उसको पिंक कलर का बैग चाहिए और ये वाला चाहिए, बाहर जो है ना सैंपल के उस पर लगाया हुआ था बैग, तो इसी वजह से उसे पसंद भी आ गया था वो, तो बस मुझे अब उसका रेट लगा के वही लेकर आना था। बड़ा तीसरे किलो तो ठीक है भाई, ना ठीक है वैसे, बड़ा तो ना है, तीसरे किलो चलो तो बड़ा कहाँ है, सही तो आज ऊपर आज तीसरे किलो चलो पर तीसरे किलो का है तो इस बार का सामान आपके लिए तीसरे किलो से कितना है भाई, 400 की भाई ₹325 का
सही है, ये तो नहीं लटक रहा, ठीक है। चलो वीरू का अभी बैग लगा। तो जी बस घर पे आए और बच्चे तो बैग देख के ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। धैर्य तो हमारे साथ ही गया था, लेकिन काव्य ट्यूशन गई थी तो काव्य ने आकर देखा ना, तो बस बहुत ज़्यादा पसंद आया उसको बैग और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और मैं एक ये लाइनर लेकर आई थी, मेरे पास लाइनर हो रखा है ख़त्म, मतलब ख़राब ही हो रखा है वो जो लास्ट है। तो मैं एक आई लाइनर लेकर आई थी और दो लेकर आई थी लिपस्टिक, जो मुझे कलर जो है ना बहुत अच्छे लगे। तो कंपनी कोई है नहीं है, मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी है, तो बस मुझे अच्छा लगा और मैं लेकर आ गई। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बिल्कुल अच्छी वाली कंपनी का या महंगी वाली कंपनी का लें, नॉर्मल सा है 100 रुपये का। और यहाँ पे ये हुड्डा ब्यूटी की मैं लेकर आई हूँ लिपस्टिक, दो लिपस्टिक के कलर में लेकर आई थी। मेरे पास पहले भी हैं ये कलर, लेकिन फिर भी मुझे लेकर आने ही थे क्योंकि फिर ये कलर मिलते नहीं हैं और मैं जो कलर यूज़ करती हूँ बस मैं वही करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा अलग मैं कुछ लेती नहीं हूँ। तो जी बस इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।